वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में फर्मट्स थ्योरम किए थे, थोड़ा हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास में देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेम्मा है यहाँ पे, जो हमको काफ़ी और जो है इजी हमको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, रिमाइंडर को फाइंड करने में। क्या है देखिए, अगर पी और क्यू आपके पास में डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है, और वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए पी कॉन्ग्रुवेंट टू, ठीक है, ए मॉडुलो क्यू है और ए क्यू कॉन्ग्रुवेंट टू ए मॉडुलो पी है। ध्यान दीजिएगा ना, आपके पास में पी और क्यू ऐसा डिस्टिंक्ट प्राइम है कि ए पी कॉन्ग्रुवेंट टू ए है मॉडुलो क्यू दूसरे प्राइम में, और ए क्यू कॉन्ग्रुवेंट टू ए है मॉडुलो पी दूसरे प्राइम में। तो अब आप दोनों के पावर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ये कॉन्ग्रुवेंट टू ए ही होगा मॉडुलो पी क्यू, ठीक है। तो ये कितना देखिए अच्छा लेम्मा है, यानी अब हमको एक कोई कंपोजिट नंबर अगर एन है जिसको हम दो डिस्टिंक्ट प्राइम में तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट प्राइम में याद रखिएगा, अलग अलग प्राइम है। तो इस तरह से अगर हम डिस्टिंक्ट प्राइम में किसी कंपोजिट नंबर को तोड़ पाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए कि एक का पावर जो है दूसरे वाले प्राइम के साथ में ये रिलेशन रखे, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ भी करेंगे। पहले आइए हम एक साथ थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो प्रूफ देखिए बहुत सिंपल होगा इसका, कैसे होगा प्रूफ, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है सिंपली फॉर्मेट थ्योरम को यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंस क्या है देखिए, सिंस हम लोग ये देखेंगे, फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर अगर मैं लेता हूँ, किस तरह का इंटीजर, ए का पावर पी, ठीक है, क्या होगा, ए का पावर पी और क्यू, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, डेफिनेटली वन होगा, ठीक है, इसलिए कि दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग फॉर्मेट्स थ्योरम, तो अगर मैं फॉर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है, क्या होगा, ए का पावर पी का पावर क्यू अगर लेंगे तो ये कॉन्ग्रुवेंट होगा ए के पावर पी मॉडुलो क्यू का, ठीक है। फॉर्मेट्स थ्योरम आपका यही है ना। अब आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि ए का पावर पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा ए मॉडुलो, ठीक है, ए मॉडुलो क्यू का, ठीक है। कैसे, तो देखिए, सिंस हम लोगों को ये गिवेन है क्या कि ए का पावर पी क्या है, कॉन्ग्रुवेंट है ए मॉडुलो क्यू का, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो जो गिवेन है वहाँ से मैं ए के पावर पी को हटा करके ए मॉडुलो क्यू लिख रहा हूँ अंडर द सेम मॉडुलो, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ से हम लोगों को ये रिजल्ट मिल गया इस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू जो है वो डिवाइड करता है किसको, ए का पावर पी क्यू माइनस ए को, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा रिलेशन वन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक और रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगेन अगेन फॉर इंटीजर, इस बार हम लोग ले लेते हैं, कैसा इंटीजर लेते हैं, ए का पावर क्यू, और चूंकि ये पी के साथ में जो है जीसीडी इसका वन होगा, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, ए का पावर क्यू फॉर्मेट्स थ्योरम से क्या होगा, पा का पावर होल पी कॉन्ग्रुवेंट होगा ए के पावर क्यू मॉडुलो पी का, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुवेंट टू सिंपली ए मॉडुलो पी, क्योंकि हमको ये भी गिवेन है, क्या गिवेन है कि ए का पावर जो क्यू है वो कॉन्ग्रुवेंट टू ए है, ठीक है, मॉडुलो पी, ओके। आपको बस ध्यान ये देना है कि दोनों जगह आपको प्राइम लेना है अलग अलग। देखिए, तो काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये आ जा रहा है कि पी डिवाइड करता है ए का पावर पी क्यू माइनस ए को, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन टू। अब देखिए, यहाँ पे क्यू डिवाइड कर रहा था सेम थिंग को, और पी भी आपका सेम थिंग को डिवाइड कर रहा है, और पी और क्यू चूंकि डिस्टिंक्ट है तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस सिंस पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, चूंकि क्या है ये आपका जो है डिस्टिंक्ट प्राइम है, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर यूजिंग वन एंड टू, वन और टू को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं प्रोडक्ट पी क्यू जो डिवाइड करेगा ए का पावर पी क्यू माइनस ए को, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या कि ए का पावर पी क्यू माइनस ए
और वी कैन सिंपली राइट ए का पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी क्यू, मॉडुलो पी क्यू। ठीक है, देखिए ये प्रूफ हो गया बहुत इजीली, है ना। लेकिन इसका यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग इसको एक जो है कंपोजिट नंबर के लिए यूज़ करें तो हमको ये देखना है कि वो दो अलग अलग प्राइम में टूटना चाहिए, ठीक है, और जो ऊपर का जो कंडीशन है उसको हिट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ये है कि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन 2 to the power 3, 4, 1 इज डिवाइडेड बाई 3, 4, 1। ठीक है, 3, 4, 1 से ही इसको डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि डायरेक्टली फॉर्मेट्स नहीं यूज़ करते, है ना। यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि 3, 4, 1 क्या है, तो 3, 4, 1 जो है ये दो वैल्यू का मल्टीपल है, किसका किसका, अगर आप इसको फैक्टर करेंगे ना तो आप 11 से तोड़ेंगे तो ये 11 into 31, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये 11 into 31 है तो इसलिए ये क्या है, ये आपका प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फर्मर्स थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली जो फर्मट है, फर्मर्स, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं, अप्लाई किया जा सकता। तो फार्मर्स नहीं अप्लाई कर सकते, और इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा काम करने के लिए फिर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप अभी का जो आर्टिकल है वो लगाइए, क्योंकि 11 और 31 ये दोनों आपका प्राइम है, ठीक है, ये भी प्राइम है और मेरा ये भी प्राइम है, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, वी सी ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि जो 2 का पावर मेरा 11 है, ठीक है, तो 2 का पावर 11 ये मॉडुलो 31 में किस तरीके से बिहेव करता है ये हमको देखना है, मॉडुलो 31 में, क्योंकि जब हम 11 लेंगे तो 31 लेंगे, ठीक है। तो 31 से हम 2 का पावर 11 को डिवाइड करना चाहते हैं, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। कैसे छोटा करेंगे, देखिए इसको आप लिख लीजिए 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर 10 लिख लेते हैं इंटू 2 का पावर 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप कर सकते हैं इसको 2 का पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, मॉडुलो 31, तो ये आपका हो जाएगा 32 का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है, और ये आपका 2 है, ओके, मॉड 31। अब देखिए 32 हमारा जो है वो 31 से डिवाइड करने पर 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगा, सो दिस इज 1, तो हमको सिर्फ वहाँ पे यहाँ पे 2 बचता है, तो दिस इज 2 मॉडुलो 31, ठीक है, एक मेरा मिल गया 2 का पावर 11, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं किसका, 2 का पावर 31 का, किसमें, मॉडुलो 11 में, ठीक है। तो 11 में डिवाइड, 11 से डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग ऐसे चलेंगे, 2 का पावर आप ले लीजिए 30 into 2 का पावर 1 ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि 2 का पावर 5 है, इसको लिख सकते हैं आप होल पावर 6 into 2, ठीक है, मॉड 11। अब देखिए ये हमारा हो जा रहा है 32 का पावर 6, ठीक है, इंटू 2 मॉड 11। अब 11 से अगर हम लोग 32 को डिवाइड करें तो -1 आता है, ठीक है, तो -1 का पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 और मॉडुलो 11। तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट आ जा रहा है 2 मॉडुलो 11 का, ठीक है। तो हम लोगों का 2 का पावर जो 31 है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया 2 का, और यहाँ पे भी, तो हम लोग अभी दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर को, ठीक है। तो यूजिंग 1 and 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 11 into 31, इसको ये कर देंगे, ठीक है। तो दोनों चूंकि सेम वैल्यू पे कॉन्ग्रुएंट था तो 2 पे ही रहेगा और अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए आपका आ गया रिमाइंडर क्या आ गया, चूंकि ये हमारा 3, 4, 1 है, ठीक है, ये भी 3, 4, 1 है, तो आपका काम बन गया और डायरेक्ट आपका यहाँ से रिमाइंडर निकल जाता है 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो है इस लेम्मा को यूज़ करके आसानी के साथ में कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसके बाद का वीडियो भी देखिए, चूँकि उसमें मैंने आपको जो एप्लीकेशन बताया है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।